न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। स्वागत इब्राहिम अल्पसंख्यात जन स्वल्प सर
कौन थे उसके साथ? हुकूमत थी क्या? ताकत थी क्या? बिना पैसे के तब वैसा बादामी में 1200 वटा से ले लेकर जीता को दूसरी सियासी जिंदगी दिया इसे। लेकिन ये आदमी जो है आज मुझे जो ये खाम के ऊपर ये मेरी नहीं मुझे नहीं बने नसीर को बना रहता किसे जिसका हाथ था 21 हद में हमारे साथ थे इनो जाफर शरीफ करे 5 मिनट उनकी मैयत कांग्रेस ऑफिस में नहीं रखे आजकल फर्नांडिस करे 4 दिन रखे क्या जाफर शरीफ सस्ते थे आजकल मैया तो राहुल गांधी आता तैयार नहीं जो आदमी कांग्रेस को बनाया अपने 80 साल अपनी जिंदगी कांग्रेस के वास्ते कुर्बान करा अगर उसके साथ ये अगर हादसा रहा मेरा तुम्हारे साथ क्या रहेगा सीधे बैल को मारे तो डाया बैल होशियार होता कहते मैं बोला रे तुम्हारी आफत आ गई वक्त शाहिद के घर को आकर बोल को गया था मैं किंतु सस्पेंड हो इसके को सबर करो वक्त आ रहा सबर करो वक्त आ रहा तुम्हें बाजार में उतरते अब देखो सेवा ले को भेटा ले को पड़े अब जो है ये वक्त आएगा अब उन्हें ढूंढने तुम्हारे घर के पास आ रहे अब हर वक्त सिद्धरामैया में गल्ला गल्ला फिरता शिव कुमार में गल्ला गल्ला फिरता फिर हमने कोई एतराज नहीं उन्होंने हमें भी क्या बोलते हैं क्या करने का आपके सामने रख लो अभी 1 साल है इलेक्शन को मैं कभी इस्तखारा करे मगर मैं निकलता मैं किसी के पास भी गिल्ला करता नहीं मुसल्ला बिछाता हूँ अल्लाह को बोलता हूँ रात में 2 बजे उठ को मेरे मालिक सारी दुनिया सो रही तू उशार है मेरी नियत भी देख मेरे मौला ये तेरे हबीब पाक की उम्मत ही है तेरे बंदे हमें गलतियां करी गुनेगार है लेकिन बागी नहीं है मेरे मालिक हमारी हिफाजत करो वो अल्लाह हमारी सुन रहा वो सुन रहा कर वो जो है आज हर एक के दिल में सुत्तुर स्वामी फोन करके बोलता मुझे निवेदन बैठ रहे तुम चते नितिन मुराम स्वामी आदि चिंचिंदी ने स्वामी बोलता की बोल रहे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत को दिल में डालने वाला मेरा मालिक हमारे सामने है तो इसके वास्ते ये दो पैर के लिए को तुम्हें सब यहाँ तक आपको खड़ को तुम्हें जो मेरा इस्तकबाल मुझे जो पैर मोहब्बत दी गई इसका सिला दुनिया और आखिरत दोनों में भी तुमने मिलता हमारी दुनिया ना में हमें खबर अच्छी होना हमारी खबर ताजमहल होना जब तक हम जिंदा हैं ईमान के साथ रहेंगे इज्जत के साथ रहेंगे ये जनपास के साथ शायद मैं का उनके तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं खुदा हाफिज जय हिंद जय कर्नाटक जय बस काउंसिल को इस्तीफा देना है भाई जी सर कांग्रेस में मेरी जरूरत नहीं है जी ये ऑलरेडी कांग्रेस वाले फैसला कर दिया है जी सर 20-1 अध्याय में जी 21 लोग मेरे साथ भी 19 लोग मेरे साथ थे जी सर इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नामजद नहीं करे अच्छा दिल्ली से जो है दूसरे का नाम नामजद करा ले गए जी वो उसी दिन फैसला कर लिया जी कि ये पिछले कई सालों से जी अखिलियतों के साथ कैबिनेट देते सिस्टम पर भी बताच जी कोई एक अखिलियत क्या तो बोला वो सलीम को देखेंगे डिसमिस करे जी शाहिद को देखेंगे बाहर डाले जी गुलबर्गा में जो है लीडर के घर को गए तो जी उन्हें लीडर एक कुर्सी पर बैठे रहता बाकी सब तो खड़े रहना जी सर बैठो घर को बोलने को तो नहीं जी गुलबर्गा शरीफ के सज्जादे साहब गए तो भी उनको भी खड़ा करके बात हमारे वोटा में लीडर बने से तुम्हें जी सर हमें तुम ना चुनको मिनिस्टर बने थे जी हमारा तुम्हें जो है तुम्हारे घर के सामने हाथ बन ले खड़ा ले जी तब तक ये संभालना जी तो उसके वास्ते जो है ये एक मौका था जी अमीर शरीयत जी और उलमा कराम से मुलाकात करें जी सर तो
हम लोग भी बोले हमें भी मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हें जो फैसला करते करो, हमारा काम तुम्हारे साथ है जी। तो हमें मीटिंग करें जी। पहली बार कर्नाटक की तारीख में मुन्ना कराम जो है अपने राय का इजहार करें, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं कर्नाटक का टूर करूँ। इंशाल्लाह अगली बार जो भी होंगे कौम की इज्जत की बहाली होगी और तमाम कौमों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलकर जो है सबको भी एक साथ ले जाने का मौका जो है खराब हो रहा है। ये भी कहा कि खास तौर पर हुकूमत ये ना समझे, यानी कांग्रेस ये ना समझे कि मुसलमानों को सिर्फ आयत कांग्रेस पार्टी है, हम अगर चाहें तो मुतबादिल यानी अल्टरनेट भी कुछ कर सकते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुतबादिल बोल दिए ना जी, बनाना का काम हमारा जी सर जी सर, मुतबादिल तैयार करते जाएंगे सामने जी, तैयार करते मुतबादिल तैयार करते जी सर। अगर ना कांग्रेस वाले अभी भी अपने तौबा को कबूल नहीं करते गलती जी, सहू सजदा करने तैयार नहीं जी, अभी ना अकड़ को सही करते मुर्दे का जी, इंसान झुकता जी मुर्दा झुकता नहीं। अच्छा मालूम सर, आपको भी जो रुकने नहीं दिए गए हैं, अगर वो आज अकल में अगर वापस कर दिया जाए तो वापस कर दिया तो मेरा वहाँ सवाल नहीं है ना जी, ये पूरे चीजों का तय होना है। अच्छा अच्छा, इस गांव का पूरा तय होना है। अगले जो है अगले बार बजट में क्या देंगे तुम्हें जी, और मुस्लिम MLA कौन माना है, मुसलमान का फैसला करना तुम्हें ना करना जी जी, हमें फैसला करके नामा देते जी, और 30% जो है कारपोरेशन के अंदर मोड़ा का चेयरमैन बना, इनके पास हमें हाथ बदल खड़ना जी, जो इनके बाप का माल है हमें देखो तुमने गुस्सा में बुटा दो कर ले का तुमने खाने पीने का दे रहे सो हमें उल्टा हमारा काम तुम हमारे ऊपर जो है ज्यादती दिखा रहे जी, वो अब नहीं चलता। अच्छा वो जवाब बाकायदा इनको दियो जी, इंशाल्लाह आप देखते जाओ जी, एक साल 23 पहले इलेक्शन आता रिजल्ट सामने लिखे गया है। बिल्कुल सर, जो आपके साथ बैठे हुए अब्दुल फजल शाहिद है, उनको किसी बात पे मुअत्तल किया गया आज तक वो वही मुअत्तल, आप उनको मुअत्तल के निकालने की जरूरत इसलिए है इन आप पूछ लेना हमारी गलती है, जरूरत नहीं है जी। वो सब जो है राम मुंडा हो बैठे उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुर्गा मजबूत है, उन्होंने उनकी राय लेकर उन आगे बढ़ते लोग उनके साथ आते, मैं उनके साथ हूँ। सर आप हमेशा हजरत के मुल्ला मिशन में शहीद अहमद वाले आइडियल मानकर चलते हैं और आपके तकारीर में भी हमेशा नौजवानों को एक सबक देते हैं, आज एक नौजवानों को एक मैसेज दें कि क्योंकि यूथ ही हमारी जिंदगी का बोल तो बस जी, मुस्लिम नौजवान को इतना बोलता हूँ जी, खुदा का खौफ रखो जी सर, माँ बाप की इज्जत करो जी सर, बड़ों का अदब करो जी, बुजुर्ग के रास्ते पर चलो, तुम अल्लाह के सामने झुको दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। सियासत से जो है ज्यादा से ज्यादा सियासत के अंदर हिस्सा लो जी, मेरे साथ आओ जी, कारवा बनेंगे जी, आपको पूछेंगे एक MLA एक MP का सवाल ले पूरा घर ही मिलने का साथ आने का मतलब क्या नहीं, पार्टी वजूद में आ रही है अब, वो अभी फैसला करेंगे में 14 तारीख को लेके नया घर को नया घर बनाना या है उसे घर को चुनाव पॉइंट मान लेना देख रहे फरवरी 14 को 14 के अंदर का दिन कहलाया जाता है उसी दिन।